हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। लेवल आपका मॉडरेट टू हार्ड रहेगा। और इससे पहले जो 11 मॉक टेस्ट हमने सॉल्व किए हैं, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, बिकॉज़ अभी भी थोड़ी कंडीशन सही नहीं है। तो आई थिंक मे बी बीच में जो वॉल्यूम है वो लो चली जाए या डाउन हो, तो आप उसे मैनेज कर लीजिएगा। आई विल ट्राई कि आपको साउंड का इशू ना आए, बट अभी भी गले में बहुत दर्द है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि विच माउंटेन पीक्स आर इन लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं? तो पहले इसका जो हम राइट आंसर देख लेते हैं, जो आपका शिगरीला है, गेफांग है, मुल्किला एंड मनीरेंग है, ये आपके जो हैं वो माउंटेन पीक्स यानी कि पर्वत चोटियाँ हैं लाहौल स्पीति। मैं आपसे एक क्वेश्चन भी बता दूं कि सबसे ऊंची चोटी हिमाचल प्रदेश की शिला है। कुछ लोग लियो पाजिल या इस तरीके की चोटी का नाम लेते हैं, वो नहीं है। आपकी जो शिला है उसकी जो अप्रॉक्सीमेट हाइट है वो 7000 मीटर्स के अराउंड है। तो आप शिला ही करिएगा, जो आपकी प्रीवियस एग्ज़ाम है वहाँ पर भी आपकी शिला को ही कंसिडर किया है, बिकॉज़ वही आपकी राइट आंसर है। बात करते हैं आपकी जो गेफांग है, ये भी आपकी लाहौल स्पीति में है। शिगरीला भी आपकी लाहौल स्पीति में है। मुकरबे भी आपकी लाहौल स्पीति में है। डीवी बोकरी, आपको बताना डीवी बोकरी कहाँ पर है, ये पड़ती है आपकी कुल्लू में। अगर हम उस तरीके से बात करते हैं, शिकरबे है, शिकरबे भी आपकी लाहौल स्पीति में है, ठीक है। मनीरैंग भी आपकी लाहौल स्पीति में है। मूल किला भी आपकी लाहौल स्पीति में। शिपकी कहाँ है, शिपकी पड़ती है आपकी किन्नौर में। बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी का अगर हम रियो की बात करें, रियो पारजिल, ये आपकी पड़ती है किन्नौर में, और इंद्रासन पड़ता है आपका कुल्लू में। मूल किला एंड मनीरेंग आपको पता है कहाँ पड़ती है, लाहौल स्पीति में। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इन डिस्ट्रिक्ट चंबा? चंबा जिले में कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है आपका नन ऑफ दीज। अब देखते हैं कैसे। अगर हम बात करते हैं कुगती की, तो ये पड़ती है आपकी चंबा में। अगर आपकी जो कायस है वो पड़ती है आपकी कुल्लू में, ठीक है। और जो गांगुल है ये भी आपकी पड़ती है चंबा में, और कंवर पड़ती है आपकी कुल्लू में। तो इसी तरीके से अगर हम ऑप्शन बी देखें, तो खोखन जो है आपकी वो कुल्लू में पड़ती है, तालरा आपका शिमला में पड़ता है, बांदली जो है आपकी मंडी में पड़ती है, और मजाठला आपकी सोलन में है। चूड़धार आपकी जो यहाँ पर ही चूड़धार तो नहीं यहाँ पर आना चाहिए था, वैसे ये आपकी जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। सेंचुआ नाला जो है आपका वो आपका है, ये पड़ता है आपका, मुझे याद नहीं आ रहा है, सेंचुआ नाला हाँ आपका चंबा में पड़ता है, और तुंडा भी आपका चंबा में पड़ता है। तुंडा आपका देखिए हो गया चंबा में, कुगती हो गई है आपकी कहाँ पर, चंबा में, तीर्थन हो गया आपका कुल्लू में, और कंवर कहाँ हुआ आपका कुल्लू में। तो देखिए मिले जुले आंसर थे, बट एक ही ऑप्शंस में भी सभी जो थे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, वो डिस्ट्रिक्ट चंबा से नहीं थी। तो ऑप्शन ई आपका जो है वो राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स आर इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में कौन से जलप्रपात हैं? तो अगर हम इसका राइट आंसर देखें, तो इसका जो राइट आंसर है कालत, बेहना, रहला और कसोली, सारे पड़ते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो ऑप्शन ए के थ्रू चलते हैं हम। तो ऑप्शन ए कहता है कि जो दांचो है ये पड़ता है आपका चंबा में, सतधारा भी आपका चंबा में पड़ता है, कसोला आपका और वशिष्ठ ये आपके कुल्लू में है, रहला आपको पता है यह भी आपका कुल्लू में है, खीरगंगा भी कुल्लू में है, मणिकर्ण भी आपका कुल्लू में है, बट जो ज्यूरी है आपकी वो कहाँ पड़ती है, शिमला में। अगर हम बात करते हैं काली का, काली का आपका चंबा में, ठीक है, लूनानी भी आपका चंबा में, टापरी आपकी किन्नौर में, सुला आपकी कांगड़ा में। तो इस तरीके से जो है आपके ऑप्शन डी है वो राइट आंसर, सारे ही आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट? लाहौल स्पीति में कौन से लेक्स हैं? तो अगर हम इसका जो राइट आंसर देखते हैं क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रताल, यूनामसो, नीलकंठ और सिसु लेक जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में आती है। बात करते हैं गोविंद सागर, पोंग और पंडोच चमेरा, ये सारी आपकी आर्टिफिशियल लेक्स हैं, मेन
मैन मेड लेक्स हैं, आपकी कृत्रिम झीलें हैं। गोविंद सागर सबसे बड़ी झील है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि गोविंद सागर का और क्या नाम है। और अगर आप बात करते हैं, गोविंद सागर जो है आपकी वो बिलासपुर में है। पोंग जो है आपकी वो आपकी ब्यास सॉरी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। पुंडो जो है आपकी वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में। चमेर आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। चित्रताल आपको पता ही है, आपका लाहौल स्पीति में है। सूरज ताल आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सूरज ताल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर हम बात करते हैं भृगु की, तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपकी लेक पड़ती है। बाकी जैसे आपकी लामा है, ये आपकी ग्रुप ऑफ 7 लेक्स है, यानी कि मतलब 7 झीलों का एक समूह है। आपकी जो नीलकंठ है, धनकड़ है या दीपक ताल है, ये आपकी सारी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? ये आपकी पड़ती है लाहौल स्पीति में। तो देखिए आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो कौन सा है? ऑप्शन डी, चंद्रताल, युनहामसो, नीलकंठ एंड सिसु लेक जो है आपकी वो लाहौल स्पीति में आती है या वहाँ पर स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर रावी? रावी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? तो इसका जो हम राइट आंसर देखते हैं वो है आपकी बांदल, तंतगिरी एंड साहो। अगर हम बात करते हैं बुद्धिल की, तो ये है आपकी रावी रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। बट बसपा एंड स्पीति जो है आपकी वो सतलज रिवर की ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ हैं। अगर हम बात करते हैं भागा किसकी है, भागा है चीना आपकी, लून एंड उहल है आपकी ब्यास की। टॉन्स जो है आपकी, टॉन्स होगी पब्बर होगी, ये है आपकी यमुना की, छतरानी एंड जो आपकी छतरानी और सीउल है, ये है आपकी रावी रिवर की। तो जो आप आपका ऑप्शन ए था वो राइट आंसर था। द टर्म स्तूपा इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ गौतम बुद्धस लाइफ? ये जो टर्म स्तूपा है, गौतम बुद्ध की लाइफ से कौन से इवेंट से संबंध रखता है, रिलेशन रखता है? तो जो उनकी डेथ हुई थी उससे ये उसका जो एक इवेंट है या जो उसका बताता है वो है आपका स्तूपा। और जो उनका जन्म था, बर्थ था, वो था आपका ये कौन सा इवेंट है? लोटस एंड बुल। और जो इनका फर्स्ट सर्मन था, यानी कि जो इनका पहला जो उपदेश था, वो किससे दर्शाया जाता है? वो दर्शाया जाता है व्हील से। और जो इनकी एनलाइटमेंट हुई थी वो किसके पेड़ के नीचे हुई थी? वो हुई थी आपकी बोधि ट्री के, यानी कि जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपके बोधि ट्री के नीचे हुई थी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं। राजा राम मोहन राय ऑर्गेनाइज हिस्टोरिक एजिटेशन अगेंस्ट द, राजा राम मोहन राय ने किसके खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन किया था? तो उन्होंने जो इविल कस्टम ऑफ सती, आपको पता है जो सती प्रथा थी हमारे समाज में, कि अगर किसी का हस्बैंड जो है वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो वाइफ होती थी या उसकी विडो होती थी, उसे साथ में ही जला दिया जाता था। तो इसे उन्होंने ख़त्म किया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। रिट ऑफ मैंडमस कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? जो आपकी मैंडमस होती है, रिट होती है, इसे सुप्रीम कोर्ट क्यों इशू करता है, किसे इशू करता है? परमादेश की रिट सुप्रीम कोर्ट किसे जारी कर सकता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका एन ऑफिशियल टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी, यानी कि जो सार्वजनिक कर्तव्य का जिसे पालन करना चाहिए उसे ये ऑर्डर्स देता है कि आप अपना काम अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, एन ऑफिशियल टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। द जजेस ऑफ हाई कोर्ट कोल्ड होल्ड ऑफिस, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी एज क्या होती है? वो अपना ऑफिस में बने रहे, मतलब कब तक वो उस ऑफिस में अपने कार्यकाल तक चले रह सकते हैं, उनकी एज लिमिट क्या है? तो देखिए उनकी जो एज लिमिट होती है वो होती है आपकी 62 ईयर्स, ठीक है। और जो 65 ईयर्स एज होती है वो होती है आपकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होती है, यानी कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजेस की एज होती है 65 ईयर्स, हाई कोर्ट के जजेस की एज होती है 62 ईयर्स की। और जहाँ पर ये लिखा है कि एज लॉन्ग एज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया वॉन्ट, ये होता है आपके गवर्नर के केस में। गवर्नर तब तक ही अपने पद पर बना रहता है जब तक प्रेजिडेंट चाहते हैं, मतलब अपनी मर्जी से उसे बिठा भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। वेयर डू द मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना टेक प्लेस, जो आपकी अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं वो कहाँ पर घटित होती हैं, कौन से लेयर में
होती हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन टू, ट्रॉपोस्फीयर में, जिसे हम शोभामंडल कहते हैं। तो आपको मुझे बताना है कि सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर होती है या ट्रॉपोस्फीयर होती है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एल नीनो अकर्स ओवर, एल नीनो कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर ये स्टार्ट होते हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, पैसिफिक ओशन, यानी कि जिसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं। खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन, इसका मतलब है जो खरीफ की जो हमारी फसलें हैं उनकी कटाई कब करते हैं, उनकी कटाई करते हैं हम अक्टूबर नवंबर में। ये ऐसी फसलें होती हैं जो आपकी जनरली हॉट सीजन में उगाई जाती हैं, मोर वाटर की इनको रिक्वायरमेंट होती है, पानी की बहुत ज़रूरत होती है गर्मियों में। और खरीफ फसलों की अगर हम बात करें, जैसे आपकी जवार हो गया, आपकी मेज़ हो गया, आपकी कॉटन, ग्राउंड नट्स, जूट, टबैको वगैरह, शुगर केन हो गया, गन्ना, पल्सीज हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, ये आपकी सारी खरीफ फसल्स कहलाती हैं या क्रॉप्स कहलाती हैं। बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक रेट क्या होता है, आई एम सॉरी, बैंक रेट वो होता है कि एट विच कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। जो आपके बैंक्स होते हैं जब वो आरबीआई से मनी बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, उसे कहते हैं बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो उस पर वो इंटरेस्ट आरबीआई लेता है उनसे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, नए जो बने, एंथनी एल्बेनिज या एल्बनीज जो भी है इनका नाम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी की बात कर और ए की बात करते हैं, बोरिस जॉनसन तो पहले थे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, अब नहीं है। जस्टिन ट्रूडो कैनेडा के हैं, जसीडा आर्डन ये हैं आपके न्यूजीलैंड के पीएम। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो क्या है, कैनबरा है, सिडनी है या कुछ और है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, यूनिक्स भी है, यूबंटू, एमएस डॉस भी है, एमएस एक्सेल नहीं है। डॉस का होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप सभी जानते हैं। इन विच रीजन आर द पीपल ऑफ हार्टी कम्युनिटी डिमांडिंग स्केड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, जो आपका एसटी का स्टेटस, जो हार्टी कम्युनिटी है वो कहाँ से बिलोंग करती है, जो आपका अनुसूचित जनजाति का जो है वो दर्जा मांग रही है। तो ये आपके ऑप्शन ए, सिरमौर से जो है वो हार्टी कम्युनिटी बिलोंग करती है। तो ये थे आपके 16 क्वेश्चंस, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब क्या होता है, टू एक्सेप्ट विद मिस गिविंग, टू फाइट टूथ एंड नेल, इसका मतलब क्या होता है, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टू सराउंड अ प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग इट, तो इसे कहते हैं बिसीज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड, ऑप्शन सी अ पॉस्थमस चाइल्ड। एंटोनियम ऑफ कंसीटेड, कंसीटेड का जो एंटोनियम होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो होता है आपका मॉडेस्ट। एंटोनियम ट्राइबल, ट्राइबल का जो एंटोनियम होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, सीरियस। सिनोनियम ऑफ फेलिसिटी, फेलिसिटी का जो सिनोनियम होगा वो होगा आपका ब्लिस। सिनोनियम ऑफ एफेफेरल, एफेफेरल का जो सिनोनियम होगा उसे कहते हैं हम शॉर्ट लिव्ड। डैश अ मोमेंट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड फॉर नो स्टॉकिंग हंग फ्रॉम द फायर प्लेस, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा फॉर अ मोमेंट, यहाँ पर फॉर आएगा, ऑप्शन डी आपका जो है वो राइट आंसर है। उज्जवल इज गुड डैश इंग्लिश, जनरली हम यहाँ पे उज्जवल इज गुड इन इंग्लिश ही करेंगे, बट यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि उज्जवल इज गुड एट इंग्लिश, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब वी शेल हैव टू एक्सेप्ट हिस एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। तो आपको बताना है एरर किस पार्ट में है। तो एरर जो है हमारा हिज आएगा यहाँ पर, हिम नहीं आएगा, हिज ज्वाइनिंग द क्लब। तो ये आपका ऑप्शन बी में, ठीक है, जो पार्ट है आपका बी है और ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द प्रिंसिपल टोल्ड अस वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा, तो प्रिंसिपल टोल्ड अस टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। माई प्रिंसिपल टोल्ड मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। तो इसका माई प्रिंसिपल टोल्ड मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो, तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। माई प्रिंसिपल ऑर्डर मी नॉट टू कंडक्ट एनी टेस्ट द नेक्स्ट डे। कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, तो इसका जो राइट आंसर होगा कैन द पार्सल बी सेंट अस बाय टुमारो। आई डिडंट ट्रस्ट एनीबडी, नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाय मी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेंटेंस रीअरेंजमेंट है यहाँ पर, इट्स अ वंडर दैट माइग्रेटरी बर्ड्स विदाउट एवर गेटिंग लॉस्ट ऑलवेज मैनेज टू फाइंड देयर होम फ्लाइंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, इट इज़ वंडर दैट माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाइंग थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स विदाउट एवर गेटिंग लॉस्ट ऑलवेज मैनेज टू फाइंड देयर होम। मतलब इट इज़ वंडर दैट माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स विदाउट एवर PSQR। तो देखते हैं हम ऐसा कुछ ऑप्शन है हमारे पास, तो ऑप्शन डी जो है आपका वो राइट आंसर है। तो ये थे आपके 32 क्वेश्चंस। आई होप आपका जो मॉक टेस्ट है वो अच्छा चल रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा वो है रीजनिंग सेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, एमनेशिया मेमोरी एंड पैरालिसिस। तो देखिए एमनेशिया जो एक बीमारी होती है मेमोरी से रिलेटेड, पैरालिसिस में क्या होता है आप सभी को पता है कि जो हमारी बॉडी का एक कोई भी पार्ट है वो उसकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आप उसे मूव नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5:30 और उसके बाद बताना 8 के बाद आपका क्या आएगा। तो देखिए तो यहाँ पर जो है वो 5 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 5 ऐड कीजिए, आपके पास आता है 30। 8 का स्क्वायर करें उसमें 5 ऐड करते हैं, आपके पास आता है 69। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपको इसमें रिलेशन बताना है इन दोनों में और फिर इसी के हिसाब से यहाँ पर एक रिलेशन सेटअप करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो सी और एक्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे? ये स्टार्टिंग से इसका जो नंबर है वो थर्ड है, इसका जो लास्ट से अगर हम काउंटिंग करें तो इसका नंबर थर्ड है, मतलब ए बी सी और जेड वाई एक्स। तो इसी तरीके से सारी आपके एफ हो गया, ये हो गया, ये ऑपोजिट थे। तो इसी तरीके से आपका जो जी का ऑपोजिट क्या बनेगा, जी का जो ऑपोजिट बनेगा वो बनेगा आपका टी क्यू एस यू, जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर। बिकॉज हम जेड से जेड को भी वन मान रहे हैं और ए को भी वन, तो यहाँ से काउंटिंग होगी बी सी और यहाँ से होगा वाई एक्स, यानी कि 1 2 3। तो इसी तरीके से आपको ये करना था। नेक्स्ट है आपका बी डी जी एच और ये है, बाकी आपको बताना है एफ एच के एल क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप बी में 13 ऐड करें, डी में 13 ऐड करें, जी में 13 ऐड करें, एच में 13 ऐड करें, तो ये आपके पास आता है। इसी एफ एच के एल में आप जब 13 13 ऐड करेंगे तो आपके पास जो है ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। आपके पास देखिए आपके पास ए से लेकर जी तक इतने कैंडिडेट्स हैं जो आपके ईस्ट की तरफ यानी कि पूर्व दिशा की तरफ बैठे हैं। आपको पता है पूर्व ये हुआ, दक्षिण ये हुआ, पश्चिम ये हुआ और उत्तर ये हुआ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। सी ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी, जो सी है वो डी के राइट में बैठा है। मतलब अगर हम बात करें तो डी यहाँ पर होगा तो सी यहाँ पर होगा। बी जो है आपका वो एक्सट्रीम एंड्स पर है एंड ई उसका नेबर है। या तो बी हमने यहाँ मान लिया, ठीक है, तो उसका जो नेबर होगा वो क्या होगा, ई यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखिए जो बी है आपका वो यहाँ पर भी हो सकता है और उसका नेबर ई यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है, और डी सी हमने ऐसे ही लिख लिए। अब ये बोलता है कि जी इज़ बिटवीन ई एंड एफ, जी जो है ई और एफ के बीच में है, ठीक है। तो
एफ मैंने यहाँ पर मान लिया और इसी बीच में आ गया जी, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर मान लिया कि जो आपका ई है, ठीक है, सॉरी जो जी है ई और एफ के बीच में है, तो जी और आ गया आपका एफ। अब हमारे पास जो है वो देखते हैं डी सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड। तो आपके पास जो अब यहाँ पर जो बचता है वो बचता है आपके पास ए और यहाँ पर भी ए। अब देखते हैं डी सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, क्योंकि हमारा एक ही बचा था तो मैंने या तो ऊपर आएगा क्योंकि एक्सट्रीम एंड तो बी नहीं घेरे हैं। तो अगर आप साउथ एंड आपका ये होगा, यहाँ से आप तीसरा देखते हैं 1 2 3, तो डी आपका थर्ड पर बैठा है। यहाँ से देखते हैं 1 2 3, यहाँ पर तो जी बैठा है। तो आपका जो पॉसिबल जो सही अरेंजमेंट है वो है आपका बी ई जी एफ डी सी ए। तो ये इस तरीके से आपका अरेंजमेंट बनेगा। तो आइए देखते हैं हु सिटिंग टू द राइट ऑफ ई, के राइट में कौन है। ई के राइट में जो है आपका वो है आपका जी, और यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीपल आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पर कौन बैठे हैं, ए और बी। नेम द पर्सन हु शुड चेंज प्लेस विद सच सी दैट ही गेट्स थर्ड प्लेस फ्रॉम द नॉर्थ एंड, ठीक है। अगर किसी को जो है वो किसे अपना मतलब यू नो अपना प्लेस एक्सचेंज करना चाहिए ताकि वो थर्ड जो है वो अपना प्लेस हो उसका नॉर्थ डायरेक्शन से, ठीक है। तो किसे चेंज करना चाहिए, उसे चेंज करना चाहिए जी के साथ सी को। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इमीडिएटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीपल इज डी सिटिंग, डी किसके बीच में बैठा है, डी बैठा है आपका एफ और सी के बीच में या सी और एफ के बीच में, ठीक है। अब देखते हैं एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है, ठीक है, मैंने ब्रदर मान लिया। ए एंड सी इज द डॉटर ऑफ ए, ठीक है, सी जो है वो आपकी डॉटर है ए की। के इज द सिस्टर ऑफ एफ, के जो है आपकी सिस्टर है एफ की। एंड जी इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है, और जो जी है वो ब्रदर है सी का। तो आपको बताना है हु इज़ द अंकल ऑफ जी, अंकल कौन होगा इनका, अंकल होगा इनका एफ, ठीक है। तो ऑप्शन ये देखिए आप इजीली कर सकते हैं, इसमें इतना टफ क्वेश्चन नहीं था ये। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, आपके पास ये लेटर्स दिए गए हैं, इनके सिंबल्स हैं, आप उसे इंटरचेंज करना है। 16P, 16P का मतलब है आपके पास प्लस 24, और यहाँ पर M का मतलब आपके पास डिवीजन 8, और यहाँ पर Q का मतलब है -6, फिर से आपके पास डिवीजन 2 × 3। इसे सॉल्व करें, 16 24 को 8 से डिवाइड किया आया 3, और -6 को 2 से डिवाइड किया 3 × 3, तो 16 3 19, 19 में से 9 का कितना आया आपके पास 10। ऑप्शन सी इज़ आपका राइट आंसर। अब देखते हैं एक्स जो है वाई के पूर्व दिशा में, ये आपका वाई है, वाई की पूर्व दिशा हुई एक्स यहाँ पर, जो कि जेड के उत्तर में, जेड के उत्तर में कौन है, यहाँ पर वाई है, ठीक है, यहीं पर इसकी डायरेक्शन होगी। आपको बताना इफ़ पी इज़ द ईस्ट ऑफ जेड, जो आपका पी है वो जेड के ईस्ट में है। तो अब आपको मुझे बताना है कि जो आपका है, बताएं एक्स की किस दिशा में पी है, एक्स की किस दिशा में पी है, यह आपकी साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में। तो यही आपका जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास सीरीज वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर बस आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर स्क्वेयर्स किए गए हैं और जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सीरीज में कुछ नहीं किया है, यहाँ पर अगर आप 325 में से 66 माइनस करेंगे तो 259 आएगा, 259 में से 55 करेंगे, फिर 44 करेंगे, फिर 33, फिर 22, फिर 11। तो आपके पास जो लास्ट बचेगा, लास्ट होगा आपके पास 105 में से जब आप 11 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा कितना, 94। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगर फ्राइडे है, फर्स्ट डे है नॉन लीप ईयर का, तो आपको बताना है कि लास्ट डे क्या होगा। तो देखिए जो आपके नॉन लीप ईयर होते हैं जिसमें 365 डेज होते हैं, अगर उसका जो स्टार्टिंग डे जो होता है वही उसका लास्ट डे होता है, मतलब अगर इसका फर्स्ट डे है साल का फ्राइडे, तो वो लास्ट डे भी क्या होगा, फ्राइडे ही होगा, ठीक है। साथी जो है वो ओल्ड देन रेनू, तो मैंने मान लिया कि जो साथी है
वो रेणु से बड़ी है। गीता इज यंगर देन रेणु, गीता जो है वो रेणु से छोटी है, और जो प्रिया है वो साथी से बड़ी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन हुई? तो सबसे बड़ी हुई आपकी प्रिया। अब देखते हैं कल्पना का जो रैंक है वो 22 है 46 में से, तो आपको बताना है कि उसका रैंक जो है लास्ट से कितना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है टॉप टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। अब देखिए आप इस फॉर्मूले को और तरीके से भी कर सकते हैं यूज़, टोटल इक्वल टू, अब लास्ट का आ गया, तो अगर मैं फ्रंट मान लेता हूँ या टॉप मान लेता हूँ, ठीक है, तो टॉप ही मैंने मान लिया, टॉप प्लस लास्ट माइनस वन, तो टोटल कितने बच्चे हैं? 46। ठीक है, उसका टॉप से रैंक मान लिया मैंने 22 है जो दिया गया है, लास्ट से मुझे बताना है माइनस वन। तो जब 46 को मैं 22 के से माइनस करूँगा कितना आएगा? 24, और उसमें जो परे से माइनस आएगा वो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 25। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, अगर आपको नहीं आया कुछ समझ तो आप मुझसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, और आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना जनरल साइंस का पोर्शन। हवा के बल और वेग को मापने के लिए कौन सा आपका जो उपकरण इस्तेमाल किया जाता है फोर्स एंड वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए विंड की? तो इसे कहते हैं एनीमोमीटर। एमीटर आपको पता है, एमीटर जो है आपका वो करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। आपको मुझे बताना ऑल्टीमीटर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंसान कलर ब्लाइंड होता है वो कौन से दो कलर्स में डिफरेंस नहीं देख सकता है, वो उनमें भेद नहीं कर सकता है? तो वो होते हैं आपके रेड एंड ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फा पार्टिकल इज़ द न्यूक्लियस ऑफ, जो अल्फा जो आपका अल्फा कण या अल्फा पार्टिकल है वो किसका न्यूक्लियस होता है, किस परमाणु का? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, हीलियम। एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड, जिनके प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है लेकिन न्यूट्रॉन जो है डिफरेंट होते हैं उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं उसे? कहते हैं हम आइसोटोप्स। आई ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जर्मन सिल्वर इज़ द एलॉय ऑफ, जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है? तो इसका जो हम राइट आंसर देखते हैं, जस्ट जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आई थिंक यस सही है, जर्मन सिल्वर जो है आपका वो है आपका जिंक कॉपर एंड निकल। एसिड रेन डिस्ट्रॉय वेजिटेशन बिकॉज इट कंटेन्स, एसिड रेन में कौन सा अम्ल होता है बिकॉज वो वनस्पति का जो नष्ट करता है उसे कहते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो आपका अम्लों का राजा भी कहलाता है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स आर लाइजोजोम्स, कोशिकाओं की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइजोजोम्स को। साइनेप्स गैप किसके बीच में होता है? ये आपके जो टू न्यूरोन्स होते हैं माइंड्स में, जो आपके सिग्नल्स होते हैं न्यूरोन्स होते हैं जो आपके संदेशों को आगे पीछे भेजते हैं उसे कहते हैं हम न्यूरॉन्स, और तंत्रिका तंत्र जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसमें आपके न्यूरॉन्स होते हैं और इसे उनके बीच में जो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसे कहते हैं हम साइनेप्स गैप। स्क्वेंजेस ऑफ अर्थ पृथ्वी सफाई करता किसे कहते हैं? ये होते हैं आपके फंजाई यानी कि कवक। विच डिजीज इज कॉज बाय निकल, अगर निकल के खाने से या इसका इनहेल करने से कौन सी बीमारी होती है? डर्मेटाइटिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इटाई इटाई आपको मुझे बताना है कि कौन से सब्सटेंस को कंज्यूम करने से आपकी ये बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मैथ्स की, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ए जो है वो 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है, ठीक है, और 6 दिन में काम समाप्त करता है, 7 घंटे रोज काम करेगा और 6 दिन में काम खत्म करेगा। बी है वो भी सेम इतने घंटे काम करेगा बट 8 दिन में काम खत्म करेगा, 7 × 8 = 42 और ये 56, तो इतना काम करते हैं 42 और 56 आपके 6 और 8 दिन में। तो टोटल काम कितना किया? जब हमने 42 और 56 का एलसीएम लिया तो हमारे पास आता है 168। तो अगर हम यहाँ से ए की एफिशिएंसी देखें, अगर आप 168 को 42 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 168 को 56 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। अभी इन्होंने ऐसी बात कही कि आपको जो है वो मिलकर काम करना है, आपको बताना कि कितना टाइम आप लेंगे। तो इसकी एफिशिएंसी है 4, इसकी एफिशिएंसी है 3, तो टोटल एफिशिएंसी पर डे की कितनी हो जाएगी? 7। तो जब आप 168 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आता है? आपके पास आता है 24, ठीक है। बट आपको प्रतिदिन काम कितना करना है? प्रतिदिन आपको काम करना है 8 घंटे, ठीक है।
तो इस तरीके से आपके पास कितने दिन लगेंगे, आपके पास 3 दिन लगेंगे, ठीक है, जब आप उस काम को करेंगे। 24 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में भी आया था और मैंने इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आपको जब मैंने मॉक टेस्ट करवाए थे तो उसमें भी करवाया था जब आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो ये कहता है कि कोई ट्रेन है जब वो 40 की स्पीड से प्रति घंटा की स्पीड से चलती है तो वो ऑन टाइम पहुंच जाती है, इन टाइम पहुंच जाती है, बट अगर वो एवरेज स्पीड है उसकी अगर 35 किलोमीटर तो वो 15 मिनट लेट पहुँचती। तो आपको मुझे बताना है कि टोटल जर्नी कितनी है। तो आपने याद रखना है फॉर्मूला x माइनस वाई इंटू टी। एक्स वाई यहाँ पर कुछ नहीं है आपकी, ये है आपकी स्पीड। तो एक्स हमने जो मर्जी ले लीजिए आप एक्स, और ये आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और इन दोनों का जो है वो डिफरेंस, और टाइम जो है आपका वो 15 मिनट डिवाइडेड बाय 60 भी करना है, बिकॉज ये सारा ही आपका किलोमीटर पर आवर में है। ये देखिए ये आर आर, तो आपको जब उसे मिनट्स को यू नो घंटों में बदलना है तो डिवाइडेड बाय 60 कर दीजिए। तो आपके पास ये बन जाता है 4, और ये बनेगा आपके पास 40 माइनस 35, आपको पता है कितने होते हैं, ये होते हैं आपके पास 45, 40 में से 35 करेंगे तो कितना आएगा 5, तो 5 7 35, ठीक है, और यहाँ से 4 2 40, तो 7 × 10 कितना था 70। तो आपके पास जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना था 70 किलोमीटर। अब क्वेश्चन है कि ए की शादी 6 साल पहले हुई, जो उसकी आज की एज है उसकी शादी के उस समय की आयु का 1/1/4 गुना है। तो आपको उसको बताना कि उसकी जो बेटी की उम्र है उसकी उम्र की 1/10 है, तो बेटी की उम्र बताएं। तो मैंने क्या कहा कि ये उम्र दी गई है, इसका किस किस के बीच में रेशो दी गई है, जो प्रेजेंट यानी कि आज की उम्र है और उसकी जो उस टाइम शादी की उम्र रही होगी। तो मैंने माना प्रेजेंट एज और इसकी जो मैरिज एज, तो 1/1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 5/4, मतलब ये उसकी प्रेजेंट एज होगी जो आज की आयु होगी, और ये आपकी उसकी मैरिज की एज रही होगी, ठीक है। और ये कितना गैप है, ये 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, और 5:4 में कितना गैप है, ये है आपका 1। अगर 1 आपका 6 के बराबर है, ठीक है, 1 जो आपका 6 के बराबर है, तो 5 कितने के बराबर होगा 30 के, और 6 कितने के बराबर, सॉरी 4 कितने के बराबर होगा 24 के। तो देखिए मतलब अब 6 साल का गैप भी आ रहा है, मतलब जब उसकी शादी हुई मतलब आज जो उसकी उम्र है वो यू नो 30 है, ठीक है, बट जो उसकी शादी जो हुई होगी वो 24 साल में हुई होगी, ठीक है, ये मैरिज की उसकी उम्र है और ये उसकी प्रेजेंट एज है, बट जो उसकी प्रेजेंट एज का 1/10 उसके बेटे की उम्र है, यानी कि उसके बेटे की उम्र कितनी हुई, वही आपकी 3 ईयर्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, वो बाई मिस्टेक आपने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। आई एम सॉरी, मैं ये मानता हूँ कि 100 नंबर क्वेश्चन में जो हम मैंने वो नंबर है 100 है, मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, गलती से कर दिया है मैंने 500, मैंने करना था उसे भाग, तो 100 को जब आप 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 20। तो अब आपको बताना है कि जो रिजल्ट था एक्चुअल रिजल्ट उसका, जो अभी रिजल्ट आया है हमारे पास गलत रिजल्ट आया है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना चेंज होगा। तो देखिए आपके पास जो रिजल्ट आना चाहिए था वो आया 500, आना चाहिए था 20, तो कितने का डिफरेंस है 480 का, 480 डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल रिजल्ट है वो 20 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, ये जाएगा 24 पे, तो कितना चेंज आया आपके पास आंसर में, 24 × 100 कितना आता है 2400 का जो है वो चेंज आया एक्चुअल आंसर से, ऑप्शन डी आपका जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसकी हिंदी मुझे नहीं आ रही है याद, डायमीटर को शायद व्यास कहते हैं, और आपका जो है आपको वॉल्यूम बताना है एंड सरफेस एरिया बताना है स्फीयर का। तो देखिए इसमें जो फॉर्मूला लगेगा 4/3 πr³ और 4/3 πr²। आर क्या होता है, आर जो होता है आपका डायमीटर का आधा होता है, यानी कि आपको यहाँ पर 42 की जगह आपको 21 यूज़ करना था, बस आपको इतना सा ध्यान रखना था कि ऑप्शन सिमिलर है बट यहाँ पर जो है वो यू नो यूनिट्स में चेंज है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो
ऑप्शन बी होगा, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर होना था वो सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर स्क्वायर में होना था, क्योंकि वॉल्यूम आपका क्यूब में है और एरिया आपका स्क्वायर में है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप एक टाइम के लिए भूल जाएं कि आपका जो अंडर रूट है, तो हम 9.95 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10^-1, क्योंकि देखिए जो आपका 9. ये है, अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करता हूँ तो जब ऊपर जाएगा तो 10^-1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। इसी तरीके से 0.85 के आगे हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 85, और 1, 2, 3, 3 इसकी जो है 0 माइनस में आएगा, और 17 के आगे आपकी 10^ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 0, और 19 के आगे पास आपके पास 10^-2। तो जब ये वाली जो ऊपर जाएंगी तो ये प्लस हो जाएंगे, 4 और 2, 6, तो 6 में से एक ये 3 पावर गई, 3 बचा और 1 पावर ये गई, तो मतलब 4 पावर आपके पास बची है, सॉरी 2 पावर आपके पास बची, मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास बचता है आपके पास 95 × 85, 17 × 19, और जो यहाँ की जो ये पावर थी -2 की, ये अब ऊपर चली जाएगी, तो 95 × 85 और 17 × 19, और ये आपका 10^2। अब 17 × 5 = 85, 19 × 5 = 95, ये बना आपके पास। अब हम अंडर रूट लेंगे 25 × 10² यानी कि 100, 25 × 100 कितना होता है, 2500, ठीक है, अंडर रूट। तो इससे 2500 का जो आपका अंडर रूट कितना आएगा, वो आएगा आपके पास 50। तो ऑप्शन सी जो है आपका वो राइट आंसर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम हिंदी का पोर्शन। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा, क्रिस्टल क्लियर। इन केस आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्षेपक, क्षेपक का मतलब क्या होता है, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसे कहते हैं हम अध्यूडा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अनर्थक परिश्रम और सतत से व्यक्ति सफलता की चरम सीमा को पा लेता है, तो इसका जो राइट आंसर है अध्यवसाय। मृगनयनी में कौन सा समास है, मृगनयनी में समास है आपका द्विगु। जलावृत में कौन सा समास है, जलावृत में आपका जो समास है वो है आपका, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा, करण तत्पुरुष। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निष्काम में आपका निस। निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थभेद का चयन कीजिए, आपके पास जो दिया है अविराम और अविराम, इसका मतलब होता है सुंदर और निरंतर। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, ये होता है विस्तीर्ण, यहाँ पर विकीर्ण भी होता है, तो आपके दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। विराट का विलोम शब्द क्या है, ये आपका कुशूद्र। कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या है, यह है आपका कनक। प्रतिहार का पर्यायवाची क्या है आपके पास, ये है आपके पास द्वारपाल। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या है, ये होता है आपके पास श्रौ जमा अन। संगम का संधि विच्छेद क्या है, संगम का संधि विच्छेद है सम जमा गम। श, सह ये कौन से होते हैं आपके पास, कौन से व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, शुद्ध वर्तनी आपके पास प्रबुद्ध, और यहाँ पर भी आपको बतानी है, तो यहाँ पर है जो राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि रोशनी में आपको इस तरीके से लिखते हैं, सेना में भी एक ही मात्रा आती है, गांधी को आप ऐसे लिखेंगे, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके टोटल 80 क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आए हों। आप अपना कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर शेयर करें, और देखिए कि कंपटीशन कितना है, आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कहाँ पर आपको प्रेपरेशन करने की अच्छे से ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।